doubt that opinion. ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ. It becomes a competitive kind of space where one feeds the other, and therefore you have this competitive communalism. एक आदमी चाहिए था, वो लोग मुस्लिम नाम का एक आदमी चाहिए था, इसके लिए ऐसा किया है. मुसलमान युवक हिंदू युवती को पीछे, हिंदू लड़की लोगों को पीछे जाता है. हर कास्ट का लड़कियों को पटाने के लिए इसका प्लान है. मुसलमानों को एक इशारा मैं किया, आप अपने लड़कियों को बुरका डालते हो और हमारे लड़कियों को भगा कर जाते हो. कोस्टल कर्नाटक है ना, कोस्टल कर्नाटक कर्नाटक का कोमुवाद का प्रयोगशाला बोलता है. आरएसएस का वो प्रयोगशाला है, कम्युनलिज्म की प्रयोगशाला है. अट्ठाईस जुलाई 2022 को मैंगलोर के सूरतकल इलाके में मोहम्मद फाजिल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई. फाजिल ने एमबीए किया था, वह फायर सेफ्टी का काम करता था और अच्छे भविष्य की उम्मीद से विदेश जाना चाहता था. सूरतकल मैंगलोर शहर के बाहरी छोर पर स्थित है. इस घटना के दो दिन पहले 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ा जिले में स्थित बेल्लारे गांव में एक युवा भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिसका नाम था प्रवीण नेट्टारू. सूरतकल और बेल्लारे के बीच में लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है. दोनों मृतकों का आपस में कोई संबंध नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी. दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले भी आपस में किसी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन दोनों हत्याओं का एक सूत्र आपस में जुड़ता था. फाजिल की हत्या प्रवीण की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी. हत्यारे हिंदू जागरण वेदिके से संबंधित थे. ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜಿಹಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಿಸಿ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಯುವಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಎದುರೇ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಲ್ವಾ. यह कोस्टल कर्नाटका का इलाका है, मंगलूर उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा जिले का इलाका. यह पूरा इलाका एक तरह के कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की चपेट में है. यहाँ पर सड़क पर गिरे हुए आदमी को भी उठाने से पहले उसका धर्म तय कर लिया जाता है. मोहम्मद फाजिल की हत्या जिन युवकों ने की उनका प्रवीण नेट्टार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी एक हत्या का हिसाब बराबर करने के लिए उन्होंने दूसरी हत्या कर दी. एक आदमी चाहिए था, वो लोग मुस्लिम नाम का एक आदमी चाहिए था, इसके लिए ऐसा किया है. उनको ऐसा क्यों चाहिए था, उससे पहले क्या वाकया हुआ था? दो दिन पहले एक नेट्टर बोल के उधर एक मर्डर हो गया था, प्रवीण बोल की प्रवीण नेट्टर. हाँ प्रवीण नेट्टर. तो क्या बात को हो गया बोल के हम लोग मालूम नहीं. उसके बाद में एक वो लोग हिंदू गए, एक मुस्लिम जाने के बोले कि वो लोग बस याद ही था, इरादा देता. अच्छा, जबकि प्रवीण से कोई कभी रिलेशन कोई कुछ नहीं, उसको संबंध नहीं, वो बहुत दूर हो गया, उसको उसको वो मूवी देखा नहीं. यहाँ मौत आने के कई तरीके हैं. मसलन 42 साल के अब्दुल जलील को लीजिए, इनकी हत्या आपको अंदर से हिला सकती है. 24 दिसंबर 2022 को दोपहर में जलील लंच करके लौट रहे थे, तब कुछ शराब पिए लोगों से उनकी कहासुनी हो गई. जलील ने उनको नजरअंदाज किया. शाम को उनकी दुकान के बाहर वो लोग वापस लौटे और जलील की हत्या कर फरार हो गए. क्या पहले से कोई किसी तरह की दुश्मनी चल रही थी, कुछ बातचीत थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, या किसी जलील भी किसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे? जलील मुन्नालो जाए उसी दिन सेम डे दोपहर को इनो जो दोपहर के खाने के लिए आए थे घर, तो वापस जाने में इनो रुका के वहाँ रोड पे तुम्हें मर्डर करेंगे बोल के धमकी सब दिए थे सेम डे. उन्होंने किसी को भी बताया नहीं कि उन्होंने क्या समझे, वो पी के दारू पी के ऐसा ये कर रहे हैं बोल के इन्हों किसी को बताया नहीं. उनका जो मर्डर हुआ ना उसके बाद ये पता चला कि दोपहर को ऐसा रोड पे खड़ा करके इन्हों धमकी दिए थे बोल के बाद में पता चला. और वो देखने वाले भी थे और इन्हों दूसरों को बताया, ये घर वालों को बताया नहीं जलील.
दूसरों उनके फ्रेंड्स को बताए हर सिस्टर शी वेंट टू हर होम एंड शी टुक हर टू हियर बट शी डोंट नो अबाउट एनीथिंग शी आस्क्ड व्हाट अबाउट व्हाट एनीथिंग हैपेंड सो शी सेड हर सिस्टर लाइक फ्यू लिटिल बिट बाइट अबाउट एक्सीडेंट सो बोथ आर केम हियर व्हेन दे कम टू हियर शी कम टू नो अबाउट व्हाट हर अबाउट डेथ She cried a lot. Finally, what we have to do. थोड़ा सा पीछे जाने पर हालात की थोड़ी मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आती है। 10 सितंबर साल 2009। इस दिन मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी जान बचाने के लिए मैंगलोर से बहने वाली नेत्रावती नदी में छलांग लगा दी थी। फिर भी दोनों अपनी जान नहीं बचा पाए। आसिफ और मुस्तफा को नदी में छलांग लगाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इनको गौरक्षकों की एक भीड़ ने पुलिस के साथ मिलकर घेर लिया था। नेत्रावती नदी पर बने एक पुल पर इनको पकड़कर वह भीड़ पीटने लगी। बचने के लिए उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद दोनों की लाश मिली। इस घटना के साथ ही मैंगलोर, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा इलाके में घटी तमाम घटनाओं का संकलन कन्नड़ा लेखक और पत्रकार नवीन सुरिंजे ने अपनी किताब नेत्रावती अल्ली नेट्टारू में बहुत विस्तार से किया है। नेत्रावती अल्ली नेट्टारू का अर्थ है नेत्रावती नदी में खून है। मैंगलोर में एक रिवर है, इसका नाम है नेत्रावती। वो नेत्रावती का पूरा साइड क्या होता है, उसका कम्युनल राइट्स होता है। सो उसमें उस और नेत्रावती का लिंक क्या है, वो भी उसका नाम का एक और एक रीज़न था। एक कौ ट्रांसपोर्टर, काउ ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसका बजरंग दल का लोगो और पुलिस दोनों में उसका दोनों मिलाकर उसका अटैक करता है काउ ट्रांसपोर्ट का। तो ये आपको थोड़ा सा, अगर आप हरियाणा उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो इस समय देख रहे हैं उससे अगर आप जोड़ के देखेंगे कि हमने न्यूज लॉन्ड्री में हमारी स्टोरी भी है कि किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर काउ विजिलेंटीज ग्रुप गौवंश के ट्रांसपोर्टिंग में लगे लोग हैं या उनके बिजनेस में लगे लोग हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो चीज़ मैंगलोर के इलाके में बहुत पहले से हो रही है और उसको कवर किया है नवीन ने, उसको बता रहे हैं। सो मैंगलोर में वो काउ बिजनेस को अटैक करता है। सो टेम्पो में काउ ट्रांसपोर्ट करता है ना, उसका ये मुस्लिम यूथ्स उसका अटैक होता है। अटैक होने के टाइम में वो बचाने के लिए, लाइफ बचाने के लिए वो पुलिस और बजरंग दल से बचाने के लिए वो रिवर में घूमता है, रिवर में घूमता है वो डेड बॉडी आता है उसका, मर जाता है। सो इसका मैंने लाइव देखा है, वो डेड बॉडी आने का वो पूरा कार्यचरण होता है ना, उसका ढूंढना, ये पूरा लाइव देखा है, उसका घर का आक्रंदन वो सब देखा है ना, इसलिए नेत्रावती में ब्लड है। मैंगलोर है दक्षिण का, कोस्टल कर्नाटक है ना, कोस्टल कर्नाटक का, कर्नाटक का कोमु का प्रयोगशाला बोलता है, आरएसएस का वो प्रयोगशाला है, कम्युनलिज्म की प्रयोगशाला, प्रयोगशाला है कम्युनलिज्म की प्रयोगशाला है। काऊ बिजनेस है ना, इसके क्या क्या बोलता है, काऊ शेल्टर, काऊ स्लॉटर और काऊ बीफ का बिजनेस, उसमें बजरंग दल कैसा इन्वॉल्व है, कितना FIR हुआ बोल के, एक 10-20 FIR बजरंग दल का एक्टिविस्ट को हुआ है। क्यों, क्या हुआ बोल के, वो इनलीगल काउ स्मगलिंग कर रहा है। ऐसा FIR मैंगलोर में बहुत है, बहुत स्टेशन में मैंगलोर में ऐसा FIR है, बजरंग दल पीपल ने उसका काउ का बिजनेस कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, इलीगल बिजनेस कर रहा है। यह घटना उत्तर भारतीयों को चौंका सकती है। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगभग इसी डिजाइन के तहत गौरक्षा की आड़ में कुछ असामाजिक लोग पुलिस के साथ मिलकर हिंसा और उगाही का खेल रच रहे हैं। कर्नाटका में यह मॉडल 1.5 दशक पुराना है। इस मॉडल के कुछ चुनिंदा औजार हैं, भय, असुरक्षा, धार्मिकता और सांप्रदायिकता। समय के साथ यहाँ बड़ी संख्या में हिंसक कट्टर हिंदुवादी संगठनों का विस्तार हुआ है। इनकी दो कैटेगरी हैं, एक वो जो भाजपा और RSS से सीधे संबंधित रहते हुए काम करते हैं, मसलन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। दूसरी तरफ प्रमोद मुथालिक के श्रीराम सेने,
हिंदू जागरण वेदिके, हिंदू जनजागृति समिति जैसे कई और उग्र संगठन हैं जिनके कामकाज का तरीका गैरकानूनी, हिंसक और मनमाना है। हिंदू जनजागृति समिति के ऊपर तो गौरी लंकेश, गोविंद पानसारे, एमएम कलबुर्गी की हत्या करने का आरोप भी है। ये कट्टरपंथी संगठन प्रासंगिक बने रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, डर, भय, असुरक्षा और दूसरे धर्मों के खिलाफ बयानबाजी। मैं कहता हूं गोरक्षण करने वाले गुंडा कैसे होते हैं। हमारे मां बहनों को जो लव जिहाद में उनको बचाना केसेस डालते हैं, ये केस किस लिए है? तो हिंदुत्व का रक्षण करने के लिए हम जो राय जा रहे हैं, हम गुंडा कैसे होते हैं? हमारे जो माँ बहन को, बहन को जो उठाकर ले जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने कहा था तो उसको रक्षण करना चाहिए। तो उस समय मैंने वक्तव्य दिया है कि मुसलमानों को एक इशारा मैं किया हूँ, हमारे आप अपने लड़कियों को बुरका डालते हो और हमारे लड़कियों को भगा कर जाते हो, ये गलत बात है। देखिए, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, इस्लाम के खिलाफ हूँ। मुसलमान बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। तो गो हत्या इस्लाम कहता है, मुसलमान नहीं कहता, इस्लाम कहता है। प्यार करने के लिए मेरा विरोध नहीं है, हमारा विरोध नहीं है। कोई वैलेंटाइन डे का समर्थन करते हैं? एक मिनट, किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार अच्छा होना चाहिए। प्यार करने के बाद अच्छा तरीके से शादी करके वो जीवन करने का है, ये मेरा सोच है, हमारा सोच है। कोई भी हो, कोई मुसलमान हिंदू हो, हिंदू मुसलमान, समाज का सामने आकर मैं शादी किया है, अच्छा शादी किया है, मैं अच्छा तरीके से मैं जीवन कर रहा हूँ। लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमान युवक हिंदू युवती को पीछे, हिंदू लड़की लोगों के पीछे जाता है, उसको एक प्लान बन रहा है, हर कास्ट का लड़कियों को पटाना के लिए इसका प्लान है। इन हिंसक संगठनों को खुली छूट देने में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है। इसे एक वाकई से समझिए। साल 2019 से 2023 के बीच येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कुल 7 ऑर्डर पास किए। इसके तहत राज्य में दर्ज कुल 385 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया गया और कानूनी कार्रवाई रोक दी गई। इन 385 मामलों में से 182 मामले हेट स्पीच, हिंसा, मोरल पुलिसिंग, गौरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा के थे। राहत पाने वालों में श्रीराम सेनी, हिंदू जागरण वेदिके, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक भाजपा विधायक भी शामिल है। इस तरह भाजपा सरकार राज्य में हिंसा परस्त नफरती संगठनों को शह देती है। हमने शुरुआत में जिस कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की बात की उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों के उदय के साथ ही मुस्लिम समाज के भीतर भी कई ऐसे संगठनों का उदय हुआ है जो कि इसके बरक्स, इसके जवाब देने के लिए सामने आए हैं। इनमें PFI जैसे संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर भारत सरकार ने इस समय फिलहाल बैन लगा रखा है। इसकी राजनीतिक शाखा है SDPI, वो फिलहाल काम कर रही है। आज के तौर से देखें देन बाहर से आप आओगे एंड यू विल से कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है हिंदू मुस्लिम टेंशन का फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो एक आपको दिखेगा कि द मुस्लिम इन दक्षिण कन्नड़ा उड़पी इज नॉट द पुअर थरली मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम। तो यू विल सी दे आर वेरी विजिबल, दे आर इन बिजनेस, दे आर डूइंग वेल, देयर चिल्ड्रन आर coming into schools and colleges and excelling. And so you'll see them everywhere in the theater halls, in the ice cream parlors. So they're part of public life. They have the money, so they are visible. Not that all, but there is a large section that has the money. So therefore, you will see them buying flats, land in parts of the city, putting up commercial complexes, etc. So therefore, some people will say because there's a pushback from the Muslim in this region, it becomes a competitive kind of space where one feeds the other. And therefore, you have this competitive communalism here.
हालांकि नवीन सुरिंजे हिंदुवादी कट्टर संगठनों और मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों में एक अंतर बताते हैं। पीएफआई के बारे में हमें प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट में उसका चार्जशीट लगाया, एफआईआर किया उसके बारे में, और NIA राइड हुआ, IT राइड हुआ, ED राइड हुआ और CBI भी राइड किया। सो ऐसा किया है। सो उसमें एक पॉलिटिक्स भी है, सब जानते हैं उसके एक पॉलिटिक्स भी है। मैं हिंदू कौमवाद और मुस्लिम कौमवाद, अल्पसंख्यात कौमवाद और बहुसंख्यात कौमवाद, दो ये फैसिज्म क्या है उसको हम विरोध करता है, परंतु उसको बट उसका ये PFI के बारे में हमें प्रूफ चाहिए। एक मॉरल पुलिसिंग वो भी करता है, हिंदू संगठन हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन भी मॉरल पुलिसिंग करता है, PFI भी मॉरल पुलिसिंग करता है। उसका हम ये मॉरल पुलिसिंग का हमें प्रूफ है, क्योंकि हमें रिपोर्ट किया है उसका, बहुत मॉरल पुलिसिंग PFI में भी किया, हिंदुत्व संगठन में भी किया बहुत, लेकिन उसका राइड्स का अटैक का वो हमारा पास प्रूफ नहीं है। अभी तक मंगलोर में कोई राइड्स PFI ने स्टार्ट किया ऐसा हमें नहीं पता है, पर मॉरल पुलिसिंग का दोनों भी करता है, वो भी हमारा पास प्रूफ है, वो घटन है। प्रमोद मुथालिक स्वयं लंबे समय तक RSS के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में श्री राम सेने का गठन किया था। वो और उनका संगठन पहली बार साल 2009 में सुर्खियों में आया। उस वर्ष मैंगलोर के एक पब में दिन दहाड़े श्री राम सेने के कार्यकर्ताओं ने घुसकर लड़कियों और युवाओं को पीटा, पब में तोड़फोड़ की। इस घटना के बारे में अब मुथालिक बात भी नहीं करना चाहते। जो पब का घटना हुआ, 8 कंप्लेंट्स है, 8 कंप्लेंट वहाँ के लोग दिए हैं। यहाँ सेक्स चल रहा है, यहाँ ड्रग चल रहा है, यहाँ हमारे लोगों को तकलीफ हो रहा है। 8 कंप्लेंट हो गया है, फिर भी कुछ काम नहीं किया। तो वहाँ के करप्ट जो पुलिस स्टेशन था उसको बता कर वो थक गए। बाद में हमको वो बताया, वहाँ जरा गुस्से में कुछ गलत हो गया, मैं उसके बारे में माफी मांग चुका हूँ। विद्या इसका एक और पहलू सामने रखती हैं। उनके मुताबिक ऊपर से ये संगठन खुद को RSS और भाजपा से अलग अलग दिखाते हैं, ताकि मौका पड़ने पर किसी घटना से खुद को अलग किया जा सके। लेकिन हमने पाया है कि इनके कार्यकर्ता सारे वही हैं जो बजरंग दल में हैं, वही विश्व हिंदू परिषद में भी और वही श्री राम सेने में भी शामिल हैं। अभी जैसे पब अटैक में 2009 में देयर वाज एन अटैक ऑन गर्ल्स एंड बॉयज हु वेयर इन द पब इन द आफ्टरनून, बियर पी रहे थे पब में एक सैटरडे आफ्टरनून, उसमें एक्चुअली बजरंग दल के लोग ही थे, फिर उनके काफी लोग नहीं थे, तो उसमें से एक पर्सन, दिस पर्सन कॉल्ड सुभाष पडील, ही वॉज पार्ट ऑफ द बजरंग दल एंड ही वॉज मिक्सिंग विद द श्रीराम सेने। तो उसने श्रीराम सेने के उस अपने लोगों को फोन किया, इसे बिकॉज ही नीडेड मोर reinforcements. Dual membership का मामला। Yes. So he brought the श्रीराम सेने on board. And at that time it was BJP का सरकार. तो BJP wanted to create some distance from this thing. The law has to take its course. थोड़ा सा हंगामा, हमने भी बहुत shout किया, बहुत pressure लगाया. तो फिर उन्होंने कहा कि ये श्रीराम सेने ने किया है and the BJP has nothing to do with श्रीराम सेने. So here, but actually it was a joint operation of the Bajrang Dal and the Shriram Sena. Karnataka ka yeh tatiya ilaka paschimi ghat ke khoobsurat nazaron, swadisht coastal food, coffee aur masalon ka jannat hai. Lekin iski rajneetik samajik sanrachna jannat se koson dur hai. हम वहां चलते हैं जहां से इस टकराव की शुरुआत मानी जाती है। यह मैंगलोर का सबसे पुराना इलाका है, पोर्ट या बंदर का इलाका। समुद्री किनारे पर स्थित होने के कारण मैंगलोर में मछलियों और मसालों का देश और विदेश में व्यापार का बहुत पुराना इतिहास रहा है। व्यापार के इस महत्वपूर्ण केंद्र के कारण इस इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध और सक्षम थे, लेकिन व्यापार में एक महीन बंटवारे की अदृश्य रेखा खींची हुई थी। देश के अंदरूनी व्यापार पर जहां हिंदुओं का प्रभुत्व था, वहीं विदेशों से होने वाले व्यापार और मछलियों के व्यापार में मुसलमान प्रभावी थे, क्योंकि उनमें से बहुतेरे समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए हिंदुस्तान आए थे। यानी परंपरागत रूप से यहां के मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सक्षम और प्रभावशाली थे।
दूसरी तरफ शेट्टी रॉय और सारस्वत गौड़ ब्राह्मणों की हिंदू जातियां थीं जिनका व्यापार पर प्रभुत्व था। There is a history where the RSS worked very hard. They weren't always sub. It's not that they were popular from the beginning. मगर बहुत सारा काम किया गया and a calibrated attempt at getting their footprint larger and larger. Till now, I think they are very much. I think most Hindus here go along with their line of thinking. It has become so ingrained. In the beginning, as I said, it was mostly Brahmins and the Konkanas who were affiliated with the Jan Sangh and the BJP and definitely the Sangh Parivar. Magar abhi hum jo dekhte hain, most OBC classes are with them. और उसके साथ साथ काफी सारे दलित वेदर यंग और नॉट सो यंग आर ऑल्सो विद द बीजेपी एंड इसमें बीजेपी ने काफी काम किया कि वो नेबरहुड्स में गए मोबिलाइज किए बात किए सिटिंग इन पीपल्स आंगन्स दे वुड कॉल द रेस्ट ऑफ द विलेज एंड दे वुड हैव टॉक्स देन दे वुड मेक अ लोकल पर्सन दैट सेक्रेटरी mostly from the OBC community, so he feels a little important. So there has been a very calculated attempt at seeing that you have saffronized the region. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 1930 के बाद से ही संघ ने अपना कामकाज शुरू कर दिया था, लेकिन लंबे समय तक यहाँ के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। इस इलाके में सांप्रदायिकता और हिंदू मुसलमानों का बंटवारा बड़े पैमाने पर 70 के दशक में देखा गया। हिंदू और मुसलमानों की जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बंदर के इलाके में चल रही थी वह अब एक नए आयाम पर पहुंच गई। 70 के दशक में अरब देशों में पेट्रोलियम का पैसा बढ़ा तो इस इलाके के मुसलमान बड़ी संख्या में गल्फ देशों में जाने लगे। इससे उनकी आर्थिक ताकत और बढ़ी, वो जमीनें खरीदने लगे, उनकी संपत्तियां बढ़ने लगी। इससे हिंदू व्यापारियों में पिछड़ने का भाव बढ़ने लगा, लिहाजा उन्होंने इन हिंदूवादी संगठनों को पीछे से मदद करना शुरू किया। कह सकते हैं कि 70 का दशक हिंदूवादी संगठनों के लिए खाद पानी लेकर आया जब हिंदू व्यवसायी जातियों ने उन्हें समर्थन देना शुरू किया। तब तो बिकॉज यू आर कॉम्पिटिटर्स इन ट्रेड यू फ्यूल्ड द पीपल हु कैन बी योर मसल मैन ऑन द ग्राउंड एंड यू नो कैन गिव अ पुश बैक टू मुस्लिम ट्रेडर्स। साथ ही साथ आई थिंक आरएसएस और वीएचपी ने कैलकुलेट करके मठाधीश जो हैं उनके साथ उनको क्लोजर रख के उनके साथ बड़े बड़े गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज किए और उसमें गोरक्षा की बात सब बहुत ही अर्ली आर्टिकुलेट करने लगे। तो देर हैज़ बीन अ डिलिब्रेट अटेम्प्ट एट इंजेक्टिंग हिंदुत्व इनटू द हिंदू पॉपुलेशन हियर। सत्तर के दशक के आसपास ही एक और घटना घटी जिसने गौर सारस्वत और सवर्ण हिंदुओं के मन में असुरक्षा पैदा की। इसके बाद वो तेजी से हिंदूवादी संगठनों की तरफ झुकने लगे। यह 1974 का साल था जब यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ। इसे कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स संशोधन एक्ट 1974 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत हिंदुओं की पिछड़ी और दलित जातियों को उन जमीनों का अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ जिस पर वो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। एक तरफ मुसलमान गल्फ के पेट्रो डॉलर से समृद्ध हो रहे थे, दूसरी तरफ पिछड़ी और दलित जातियों को जमीनों का अधिकार मिल रहा था। इससे शेट्टी रॉय और गौड़ सारस्वत जैसे परंपरागत सवर्ण जातियों के अंदर असुरक्षा बढ़ी और उन्होंने कट्टर हिंदू संगठनों को हाथों हाथ लेना शुरू किया। पोर्ट और ओल्ड पोर्ट, पोर्ट में क्या होता है, इंटरनेशनल कार्गो इंटरनेशनल शिपिंग होता है। ओल्ड पोर्ट में मैंगलोर और इंटर स्टेट का ये बंटवारा क्या है, व्यवहार क्या है, व्यापार क्या है, वो होता है। सो ओल्ड पोर्ट में आप एरियल शॉट में देख लिया तो वहाँ एक डिवाइड आपको समझता है। अच्छा, वो कैसे डिवाइड समझ में आता है? सो एक साइड में मुस्लिम का सब दुकान है और एक साइड में जीएसपी का है। जीएसपी मींस गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण का है और एक साइड में। सो आप मुस्लिम को टारगेट किया तो आपको लाभ क्या है, गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण को लाभ होता है। इसलिए वहाँ से जनसंघ प्रारंभ हुआ, वहाँ से आरएसएस का बूस्ट हुआ वहाँ से।
यह जानकर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि जिस अयोध्या आंदोलन की शुरुआत 1989 में भाजपा और आरएसएस ने की थी, उसका पहला निर्णय 1985 में इसी इलाके के उडुपी जिले में हुई आरएसएस की एक धर्म संसद में किया गया था। राम मंदिर क्या हुआ, राम मंदिर ये रथ यात्रा और राम मंदिर बनाने का निर्णय, वो सब उडुपी मठ मंगलोर का अविभाजित दक्षिण कन्नड जिला डिस्ट्रिक्ट था, वो टाइम में उडुपी में उसका निर्णय हुआ। सो उडुपी से प्रारंभ हुआ, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज इस इलाके में सांप्रदायिकता इतना बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और इसके जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले ही PFI पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अब सियासी टकराव का नया जरिया बन रहा है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, कर्नाटक का पूरा जनता उसको विरोध कर रहा है। अभी इतना जबरदस्त विरोध किया है, हर गांव हर जिला में उसका विरोध प्रोटेस्ट हो रहा है और पोस्टर अगेंस्ट पोस्टर उसका चल रहा है। पोस्टर ऐसे है, हर हर घर में जाकर पोस्टर लग रहा है, ये बजरंग दल का कार्यकर्ता का घर है, इधर कांग्रेस को अंदर हम आने के लिए नहीं छोड़ देंगे, हम इस टाइम BJP को वोट डालेंगे, ऐसा एक अभियान कर्नाटक में चल रहा है। अभी मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बजरंग दल का बैन करते हैं ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है, ये खंडनीय है, मैं विरोध करता हूँ, ये गलत बात है, अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। बजरंग दल एक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बजरंग दल के कार्यकर्ता कोई मर्डर नहीं किया है, बजरंग दल एक देशभक्त संगठन है, एक धार्मिक संगठन है, युवकों को एक अच्छा नागरिक बनाना ऐसा एक है, गोमाता को रक्षण करने वाला बजरंग दल है, लव जिहाद से छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे क्रिश्चियनों का जो कन्वर्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये गलत बात है, एक हिंदू विरोधी नीति है। कांग्रेस पहले से ही स्वातंत्र मिलने से यहाँ तक हिंदू विरोधी हिंदुओं को विरोध करते आ रहे हैं, तो इसका ये कंटिन्यू हो रहा है, मैं इसको खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। आज कोस्टल कर्नाटका में हिंदुवादी कट्टरता और हिंसा का जो रूप दिख रहा है वह अपनी शुरुआत से बहुत अलग रूप ले चुका है। यह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ था लेकिन अब इसमें अनगिनत लोगों के हित जुड़ गए हैं, तमाम तरह के राजनीतिक पक्ष इसमें अब शामिल हो गए हैं। अब यह एक ऐसी भट्टी में तब्दील हो चुका है जिसमें अलग से किसी को ईंधन डालने की जरूरत नहीं है, यह उस स्वतः स्फूर्त मोड में पहुंच गया है जहां लोग खुद ही हर घटना का प्रतिकार या फिर समर्थन करने के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। प्रवीण नेट्टारू और मोहम्मद फाजिल की हत्या इसका सबसे दुखद लेकिन सबसे सटीक उदाहरण है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।